Hello dear students, I hope you all are fine and doing great work. आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. इसका इंट्रोडक्शन आज हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है. सो यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग है बेसिक, आधारभूत. जो लाइफ की आधारभूत यूनिट है, बेसिक यूनिट है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. जब हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो टर्म आनी चाहिए वो आनी चाहिए सेल, क्योंकि जो सेल होती है वही बेसिक और फंडामेंटल लाइफ की. तो सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ना जरूरी है. तो हम देखते हैं सेल के बारे में. जो सेल वर्ड है वो डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड सेला से, जिसका मतलब है स्मॉल रूम और लिटिल रूम. सेल जो है वो ना केवल बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, इनफैक्ट ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की. ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे है ये अब हम थोड़ा सा देखते हैं. ये यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग शो की गई है. इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारी ऐसे ब्रिक्स का यूज किया गया है. सो सबसे जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो क्या है, ब्रिक है. ठीक है, ऐसी बहुत सारी ब्रिक्स आपस में ज्वाइन होके फाइनली इस बिल्डिंग को ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं. ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है. सो इसलिए हम इनको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. फिर हम देखते हैं फंक्शनल यूनिट. जो सेल्स होती हैं वो वेरियस फंक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म होता है एज अ होल उन एक्टिविटीज और फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है. इसलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं. ठीक है, सेल के बारे में पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की जो डिस्कवरी है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल रहा, जिसमें जो फर्स्ट रोल था वो था रॉबर्ट हुक का. इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में सेल टर्म को यूज किया और उन्होंने उसको मीनिंग दिया होलो. होलो मतलब खाली. उन्होंने क्या किया, एक प्लांट में जो बार्क होती है ना, वहां से कोर्क सेल को लिया और अपने माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर उस कोर्क सेल को एग्जामिन किया, देन उनको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया हनीकॉम से रिजेम्बल करता हुआ. यहाँ पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. ठीक है, होलो कंपार्टमेंट्स हैं ये. सो ऐसा स्ट्रक्चर एग्जामिन किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा अपने इस माइक्रोस्कोप के अंडर. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इस कोर्क सेल को रखा था माइक्रोस्कोप के और उसको जूम करके देखा था. देन रॉबर्ट हुक के बाद में जो सेकंड साइंटिस्ट थे वो थे एंटोनी वॉन लिवेनहुक. 1674 में उन्होंने सेल के बारे में क्या बताया, उन्होंने बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने सराउंडिंग में, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, एल्गे, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो सारे सेल्स के मिल बने होते हैं. देन एंटोनी वॉन लिवेनहुक के बाद में दो साइंटिस्ट स्केल्डिन एंड श्वान आते हैं और वो सेल थ्योरी को प्रपोज करते हैं. उन्होंने सेल थ्योरी में दो पॉइंट्स को इंक्लूड किया. फर्स्ट पॉइंट था सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड जो सेकंड पॉइंट इंक्लूड किया गया वो था सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की. देन फिर 1855 में स्केल्डिन एंड श्वान के साथ में रुडोल्फ वर्चो मिल जाते हैं एंड वो जो सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी उसको मॉडिफाई करते हैं और एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी देते हैं. इसमें जो फर्स्ट टू पॉइंट्स थे वो सेम रखे गए सेल थ्योरी के एंड जो थर्ड पॉइंट था उसको इंक्लूड किया गया. जितने भी जो सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं अपनी पहली वाली सेल से, मींस प्री एग्जिस्टिंग सेल से.
सो ये सारा था हमारे सेल की डिस्कवरी के बारे में। आपको अच्छे से इनको स्टडी करना है। सेल के बारे में हमने पढ़ा, जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। सो अभी हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम ऑनियन और प्लांट के सेल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सो अनियन की जो सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए हमें अनियन की स्लाइड प्रिपेयर करनी होगी। उसके लिए हमें अनियन को पील करना होगा, उसके बिल्कुल थिन पार्ट, जैसे जो पोलोथिन टाइप में होता है वैसे पार्ट को हमें उसको पील करना है एंड उसको यहाँ पे स्लाइड के ऊपर प्लेस करना है। स्लाइड के ऊपर प्लेस करने से पहले हमें अनियन जो पील है उसमें सेफ्रिनिन ऐड करना है। सेफ्रिनिन क्या करेगा, एक ब्लू और वॉयलेट कलर प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है। उसको यहाँ पे रखने के बाद हम उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे एंड देन जब उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे तो हमें कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में, है ना, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, जो हमने अनियन की स्लाइड प्रिपेयर किए उसमें हमें उसके सेल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स है ना, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एंड जो ये स्पेस और फ्लूड लाइक यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा जब हम अनियन पील को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे तब। ऐसे ही जब हम किसी प्लांट पार्ट को, जैसे प्लांट की लीफ हो गई, उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर उसकी स्लाइड प्रिपेयर करके जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें बिल्कुल मतलब सेम सा ही स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे भी देखो जो सेंटर है वहां पे हमें कुछ राउंड स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको हमने न्यूक्लियस बोला है, और जो फ्लूड लाइक जो स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं जितने भी जो प्लांट सेल्स होती हैं, जो प्लांट होते हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स में सेल के बारे में पढ़ने के बाद हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स में वेरियस टाइप, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स जो मिलते हैं उनके बारे में। सो फर्स्ट यहाँ पे देखो रेड कलर के जो सेल्स हैं, डोनट शेप जो सेल्स हैं, उनको हम बोल रहे हैं ब्लड सेल, मींस जो हमारे ब्लड में जो सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। देन बोन सेल, जो हमारी हड्डियां होती है ना वो इन्हीं सेल से मिलके बनी होती हैं। देन फैट सेल, जितना भी हमारी बॉडी में फैट होता है वो इसी टाइप के सेल से बना होता है। देन ओवम, ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। देन मसल सेल्स, जितनी भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा होती है। मसल सेल्स में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है जिसके कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। देन स्पर्म, स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ओवम हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। देन न्यूरोन सेल, न्यूरोन सेल का जो मेन फंक्शन होता है ये हमारे बॉडी में मैसेज कैरी करता है, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज कैरी करने के लिए न्यूरोन सेल होते हैं। सो हमने देखा ह्यूमन बॉडी में और एनिमल्स में भी बहुत सारे टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट किया गया है, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे दो टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है, यूनि एंड सेल्युलर। यूनि मतलब सिंगल एंड सेल्युलर मतलब सेल। यहाँ पे मल्टीसेल्युलर, मल्टी मतलब मोर देन वन एंड सेल्युलर मतलब सेल। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड मल्टीसेल्युलर मोर देन वन सेल से मिलके बने होते हैं। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ एक ही सेल होती है तो वही सेल सारी जो बॉडी फंक्शंस होती है उनको परफॉर्म करती है, जैसे ईट हो गया, मूव हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया। तो जितने भी ये फंक्शंस है ना बॉडी के वो सारे यूनिसेल्युलर में सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एग्जाम्पल हम देखते हैं अमीबा एंड बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सिर्फ इनमें सिंगल सेल ही मिलता है
देन हम देखते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, मोर देन वन सेल से मिलकर बना होता है ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सारी जो सेल्स होती हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपना वर्क करती हैं। जैसे जो नर्व सेल्स हो गए उनका क्या होता है, फंक्शन होता है मैसेज को ट्रांसफर करने का। सो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस। सो हमने देखा दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अभी हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, जो यहाँ पे जो प्रो वर्ड है इसका मतलब है प्रिमिटिव, और कैरियो, कैरियो मीन्स है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब ओल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे ये भी यूकैरियोटिक भी दो वर्ड से मिलके बना है, यू एंड कैरियो। यू का मतलब न्यू और डेवलप्ड, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब जो डेवलप्ड न्यूक्लियस जिस सेल में होंगे उनको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं थोड़े से डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वो जनरली स्मॉल होते हैं, 1 to 10 साइज होता है, बल्कि जो यूकैरियोटिक होते हैं वो जनरली लार्ज होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन की बात करते हैं तो वहां पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, जो भी मटेरियल होता है जेनेटिक वो फ्रीली सस्पेंड करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। फिर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइन होता है, और उसमें एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसके जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना उसको अलग करती है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है। क्रोमोसोम यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है, क्रोमो एंड सोम। क्रोमो मतलब कलर्ड एंड सोम मतलब थ्रेड, कलर्ड थ्रेड। ठीक है, जिसमें हमारे जो सेल होती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में ये मोर देन वन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट। सेल ऑर्गेनलीज यहाँ पे जो टर्म है उसका मतलब है टाइनी कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होंगी उसमें जो सेल ऑर्गेनलीज होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, वो फ्रीली होंगे साइटोप्लाज्म में। Whereas, जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी हमने थोड़ा सा देख लिया है। जैसे जैसे प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप्ड होते जाते हैं वो यूकैरियोटिक में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है ना, सो ये हमारे पास था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया है।